हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी यहां पर और एक ओपनिंग आई है एचपी की तरफ से जहां पर हायरिंग हो रही है डेटा एनालिस्ट की कुछ और वीडियोस हैं कुछ और ओपनिंग्स हैं जिनके बारे में मैंने पोस्ट किया है जहां पर डेटा एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी ओपनिंग्स के लिए आप पुराने जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ओपनिंग में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कौन अप्लाई कर सकता है जाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें अगर आप बी कॉम एम बी ए ग्रेजुएट है कि भी, किसी भी स्ट्रीम में तो डेलॉइट भी अभी हायरिंग कर रहा है साथ ही यहाँ पर एक और ओपनिंग है डेटा एनालिस्ट की जहां पर सी टी सी है टेन लाख ,00 पर एन एम ये एक रिमोट जॉब है आप कहीं से भी काम कर सकते हैं इन दोनों वीडियोज के लिंक आपको पुरानी वीडियोज में मिलेंगे अब बात कर लेते हैं एचपी की तरफ से आई इस ओपनिंग के बारे में ये जो रोल है आप ध्यान से सुने ये जो रोल है ये एच रोल है इसका मतलब ये है कि आप एच पी ऑफिस के यू नो आउटसाइड वर्क करेंगे तो यहाँ पर जब भी एच पी की तरफ से हायरिंग आती है तो वो मैंशन करते हैं कि ये कौन सा रोल है तो अगर रोल एच ई डी जी ई अगर रोल में यू नो डेजिग्नेट किया गया है तो दैट मीन्स यू विल प्राइमरली वर्क आउटसाइड ऑफ एन एच पी ऑफिस तो इस रोल के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए ओराकल डेटा पेस क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग का यहाँ पर अगर आपके पास ऑटोमेटेड टूल्स यू नो उसको यूज करना आप जानते हैं टू एक्सट्रैक्ट डेटा गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्लाई तो डेटा एनालिस्ट की रोल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बी बी टेक इन आई टी सी एम सी अगर आपने किया है और तीन साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा जब आप जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है एंड इसी तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे एच की तरफ से ये डेटा एनलिस्ट प्रोफाइल के लिए तो आज के लिए बस इतना ही और सारी ओपनिंग्स अलग अलग प्रोफाइल अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आई विल अगेन पोस्ट सम न्यू Openings and job update. Thank you so much for watching Fresh Learning Academy. Take care. Bye bye.